आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से भागलपुर आ रही गर्भवती महिला सोनी देवी ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन बोगी में सवार संवेदनहीन लोगों ने महिला की कोई मदद नहीं की, जबकि महिला मदद की गुहार लगाती रही लेकिन किसी के द्वारा मदद नहीं किए जाने के कारण नवजात की मौत जन्म के साथ ही ट्रेन में हो गई। सोनी देवी दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन के स्लीपर कोच के 9 नंबर कोच में सवार होकर दिल्ली से अपने घर भागलपुर के मसूदनपुर के गोविंदपुर भतोरिया के लिए निकली थी, लेकिन क्यूल जंक्शन के पास उसे दर्द शुरू हो गया और वो दर्द से कराह रही थी और आसपास के लोगों से मदद की गुहार भी लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और ट्रेन की बोगी में ही नवजात को जन्म दे दिया, लेकिन किसी की मदद नहीं मिलने के कारण नवजात की मौत ट्रेन में ही हो गई। वहीं ट्रेन के भागलपुर पहुंचने पर रेलवे के डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे स्वस्थ बताकर घर भेज दिया। इस मामले पर डॉक्टर का कहना है कि महिला को क्यूल जंक्शन और जमालपुर जंक्शन में रेलवे के डॉक्टरों द्वारा देखा गया था, लेकिन महिला का आरोप है कि ट्रेन में कोई भी रेलवे कर्मी घंटों दर्द से परेशान रहने के बावजूद नहीं आया और न ही आम लोगों ने मदद की। एक तरफ रेलवे ट्रेन में सवार यात्रियों की सुविधा की बात करती है, लेकिन सोनी देवी को ना तो रेलवे की सहायता मिल पाई और ना ही आम लोगों की कोई सहायता। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह सोनी देवी ने आरोप लगाया है वह आम लोगों की संवेदनहीनता की कहानी तो बताता ही है, साथ ही यह घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। दर्द कहाँ शुरू होलो? पटना से और टीटी के बोलो छो अगल बगल के आदमी सबके बोलो गे बोली लेडीज़ कोई मदद नहीं किया, कोई नहीं किया, अकेले दर्द से कोई देखा भी नहीं, पुलिस वगैरह सब कोई नहीं, कोई नहीं। हम नीचे सारा दिन नीचे सीट नहीं था, पूरा ब्लड वर्ड। भागलपुर आने के बाद सर आपने उस महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया, क्या स्थिति है सर उसकी, क्या है? माता के स्टेट एकदम नॉर्मल है, डिलीवरी तो जहाँ तक हमको जानकारी है कि तो फूल के पहले ही हो चुका था जी। फूल में भी रेलवे के चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया था, उसके बाद जमालपुर में भी अटेंड किया गया, वहाँ पर भी जो उपचार हो सकता था वो किया गया, उसके बाद भागलपुर में भी चिकित्सा विभाग के द्वारा अटेंड किया गया। बच्चा तो मृत ही पैदा हुआ था, मदर की स्थिति नॉर्मल है, प्राइमरी जो प्राथमिक उपचार हो सकता था वो दिया गया, उसके बाद घर गया। परिचय सर आप सत्येंद्र कुमार ACMS भागलपुर। सर उन औरत का कहना है कि न तो कोई गार्ड आए न मैंने रेलवे के न कोई आदमी उनको इंटरटेन नहीं किया, उनका कहना है। अब उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते।